सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम परम संत सतगुरु जय गुरुदेव का कहना है परम संत सतगुरु जय गुरुदेव की वाणी है जय दराज से आए हमारे समस्त गुरु भाई बहन प्रेमी जन एवं हमारे सतगुरु हर प्रकार से हाजिर नाजिर सभी के चरणों में हमारा सादर सतगुरु जय गुरुदेव स्वीकार हो सत्य गुरु जय गुरुदेव परम पुरुष सत गुरु अविनाशी जिन्होंने भेद बतायो नाम सिंधु के
सतगुरु चरण न जाऊं बलियारी, जिन्होंने भेद बतायो, सत्य गुरु जय सतगुरु को हाजिर नाजिर मान करके अपने अंतर घट में खोजने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। जब हम अंतर घट में खोजेंगे, गुरु महाराज ने भी यही बताया है कि खोज री पिया को निज घट में, घट में खोजेंगे, घाट के ऊपर खोजेंगे और अपने सतगुरु की पुकार लगाएंगे, जो हमारे सत्य के गुरु हैं, जो हमारे दाता हैं, हमारे मुर्शिद कामिल हैं, उन्हीं का ध्यान करके जब हम आगे बढ़ेंगे और उनको पुकारेंगे तो अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। और अगर हमने ये मान लिया कि वो चले गए दूसरे के कहने से, तो समझो सब कुछ तुम्हारा चला गया। जिस तरह इस त्रिलोक के राजा प्रभु राम हैं, आप जानते मानते हैं कि ईश्वर वही हैं और वही इस देश के राजा हैं और इस समय भी हैं, आगे भी रहेंगे। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कुछ भी रहा, लेकिन राजा वही रहे। और जिस तरह से मनुष्य मानव पोल पर आकर के उन्होंने धर्म की स्थापना की, तो कितना बड़ा संघर्ष किया, कितना बड़ा त्याग किया, जबकि वो प्रभु राम थे, प्रभु थे, ईश्वर थे। तो इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने भी काफी संघर्ष किया, खूब समझाया बुझाया, पर अब वो जमाना नहीं रहा। कहीं एक की बात नहीं है, अब तो हर घर में हर जगह पर रावण और राम बसते हैं। तो रावण तो गुरु महाराज ने ये बताया है कि जो मन है वही रावण है, वही अच्छा बुरा कर्म हमसे करवाता है और इसी को मनाना है। और अगर मनाना है तो हमको गुरु से प्रार्थना और वंदना करनी पड़ेगी, हमारे बस की बात नहीं कि मन मान जाए। उसके लिए आप क्या प्रार्थना वंदना करेंगे, यही कहेंगे कि हे मालिक, जब अनाम पुरुष करतार आप ही हैं, आप ही स्वामी सब कुछ हैं, तो ये जो सकल पसारे का मसाला दिया हुआ है ये आपका ही दिया हुआ है। इस त्रिलोक में जो कुछ भी दिया है आपने दिया है, आप मानो तन धर करके आए हैं, आध्यात्मवाद की चीज सुना रहे हैं, निज घर का भेद बता रहे हैं, पर आप में पूरी क्षमता है और आप पूरी दया कृपा कर सकते हैं कि हमारा मन बुद्धि चित्त रुक जाए। और जब तक आप दया कृपा नहीं करेंगे, हे प्रभु हे सतगुरु, हम जन्म जन्मांतर से आपके साथ लगे रहे पर हमको कुछ मिला नहीं, ये मन पापी मानता ही नहीं है। और जब तक दया मेहर नहीं करोगे ये मन रुकेगा नहीं, तब तक हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है। तो सर्वप्रथम अपने सद्गुरु से, अपने गुरु से प्रार्थना मन बुद्धि चित्त के लिए करोगे, रोगे और गिर गिराओगे, दो बूंद आंसू के गुरु के चरणों में गिराओगे, वो अवश्य खुश होंगे, तुम पर दया दुआ की धार उनकी बरसेगी। और जब तक सद्गुरु की दया दुआ की धार तुम पर नहीं बरसेगी, तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो और कहो अभी गाड़ी पकड़ना, वहां जाना, भैंस को चारा डालना, फिर ये करना, फिर वो करना, हो गया तुम्हारा भजन और कल्याण भी हो जाएगा। सतलोक धाम कौन कहे, राम धाम पहुंच जाओ। तो प्रेमियों, अगर भजन करना है तो सतगुरु के चरणों में जाना ही होगा और उनका बड़ा
आपको लेना ही पड़ेगा, आप में किसी प्रकार की क्षमता नहीं है। जब जन्म जन्मांतर से हम आते और जाते रहे, पता नहीं कितने जन्म बीते हो, चार बीते हो, पांच बीते हो, छह बीते हो, तीन बीते हो, और पूर्व में हमारे संत सदगुरु जो भी रहे उन्होंने यही समझाया बताया कि चौथे जन्म गुरपद। पर अब की बार गुरु महाराज ने ये बताया था कि लग कर के सुमिरन ध्यान भजन कर लो, इसी जन्म में पार कर दूंगा। जब आशीर्वाद मिल गया तब तो सुमिरन भजन ध्यान करने की जरूरत थी, किसी जिम्मेदार या ठेकेदार की बात सुनने की जरूरत नहीं थी। जब स्वामी हमारा एक है तो हम अपनी स्वामी की बात सुनेंगे, किसी और की बात सुनने की हमको क्या आवश्यकता है। जब हमने अपने श्रवण से और अपने सदगुरु के श्री मुख से सुन लिया कि गुरु का ये आदेश है, इस तरह से बताया और समझाया है, तो हम उस बात को मानेंगे, ना कि किसी को के कहने को। जब हम जानते हैं कि हमारे सदगुरु सर्वज्ञ हैं, बराबर दया दुआ की धार उतर रही, और यही गुरु महाराज ने बताया है कि जब तक नामी रहता है तब तक नाम का असर, नामी के चले जाने के बाद दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, दूसरे गुरु की खोज करनी पड़ती है। और जब अनुभव अनुभूति हो रही, दिखाई सुनाई पड़ रहा है, तो सदगुरु तो हमारे इसी धरा मंडल पे हैं, चाहे जहां हो। जैसे उन्होंने कहा कि चौथा महान यज्ञ रचाऊंगा जिसमें 10 करोड़ नर नारी होंगे, चाहे जमीन से आवे या आसमान से। तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था कि सतगुरु के सहारे अपने रहेंगे, गुरु के सहारे, वो चाहे जमीन से आवे या आसमान से, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो उन्हीं को जानते हैं और इसके अलावा हमें कुछ सिखाया नहीं गया। और इसीलिए कहते हैं, गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ मैं, जाना नामी के घर चाहता हूँ। कोई नहीं चाहता कि हम नीचे रह जाएं, सब यही चाहते हैं कि हम अपने अनामी प्रभु के घर पहुँच जाएं, हमारी मुक्ति मोक्ष हो जाए, गुरु की दया मेहर हो जाए, बार बार जन्मना मरना ना पड़े। फिर ये बताओ, गुरु समर्थ है, उसने हर प्रकार से तुमको नवाजा, धन दौलत बीवी बच्चा सब कुछ दिया, जो आपने मांगा सब दे दिया, फिर आपने नाम भजन क्यों नहीं किया, क्यों शरणागत नहीं हुए, आपका मन इधर उधर क्यों भागा। एक बार लीला की तो उस बार कहा था कि अब की बार चूक गए, आगे मेरी लीला मौज को देख करके चूकना मत, बालू की दीवार खड़ी हो जाएगी, उसमें पैर मार देना और तुम पास हो जाओगे। तो जब अपने सदगुरु की बारी को याद नहीं रखोगे तो तुम्हें तो भागम भागी करनी पड़ेगी, इधर जाओ या उधर जाओ। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, पूर्व वाले पश्चिम में जाओ, पश्चिम वाले उत्तर में जाओ, उत्तर वाले दक्षिण में जाओ, खोजते रहो कहां मिलेगा, खोजना तो यही घाट पे है, कहीं और नहीं खोजना है, यही असली गुरुद्वारा है और यही असली मनुष्य मानो पूर्ण मंदिर है। और बाकी जो भी कुछ है इस देश में, जो भी बना है, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वो पूजनीय है, वो संतों ने बनवाया है, ऋषि ब्रह्म ऋषियों ने बनवाया है, और जो संतों की चीज होती है वो तो अनंत होती है। संत तो अनंत हैं, उनकी किसी भाषा को आपको समझना बड़ी दुर्लभ बात है, इसलिए सदगुरु के चरणों को देखते हुए, बराबर उनके चरणों में अपने नैनों को बिछाए हुए और अपने सदगुरु की बातों को मानते हुए हमें लग करके सुमिरन ध्यान भजन करना है। अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो ये समझ लो मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है, कितना भी आप रगड़ करो, ऊपर से जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप गुरु से प्रार्थना नहीं करोगे, उनसे वंदना नहीं करोगे और उनकी दया मेहर नहीं होगी, तब तक तुम्हें कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। और जैसे तुम दया दुआ की भीख मांगोगे, दीन बन जाओगे और घर
करके कि हे सतगुरु, हे दाता दयाल, हे गुरु हम पर दया करो और हमें भी सारा भेद बताओ। अगर इनको दिखाई सुनाई पड़ रहा है तो जो नामदान आपने इनको दिया है वही नामदान हमको भी दिया है। हम जितने भी बड़े नालायक हैं, कुछ भी हो हमारे पापों को क्षमा किया जाए और हम रोज रोज अपने पापों की, गुनाहों की क्षमा के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते रहेंगे और हमको क्षमा कर दीजिए। हे सतगुरु, अब हम जीवन मरत है, मुक्ति चाहते हैं, बार बार हम यहाँ आना नहीं चाहते। और जब इस तरह से विनती प्रार्थना करोगे तो सतगुरु दयाल है, वो दयाल है, कोई काल नहीं है, वो दया कृपा करेंगे, आप पर दया दुआ बरसाएंगे, आपको भेद बताएंगे, आपको अंतर में दर्शन होंगे और आपकी अगर लगन रही कह दे की तो बाहर से भी दर्शन मिल सकते है, इसमें कोई दुर्लभ बात नहीं है। ये तो संतों की महिमा है, यही कोटवा धाम है। तो जगजीवन साहब से दूलन दास ने कुछ प्रश्न किए, जब प्रश्न किए तो उन्होंने समझाया था कि वहां मत जाना, पर वो नहीं माने, चले गए। जब वापस लौट करके आए तो देखा जो वहां चढ़ाया वो तो इनके चरणों में चढ़ा हुआ है। तब उन्होंने समझाया, कहा गुरु महाराज ये क्या भेद है। तब उन्होंने कहा मैंने तो कहा था दूलन दूर न जाइयो, रहो चरणों के पास और इच्छा हो सो मांगिए दिए जगजीवन दास। तो जब तुम चरणों के पास रहोगे और मांगोगे तभी तो कुछ मिलेगा, और जब खुद ही तुम परम परमात्मा और इतने बड़े ज्ञानी, इतनी बुद्धि लगाना शुरू कर दोगे कि गुरु से भी आगे निकल जाओगे तो तुम्हारा काम कहां से बनने वाला है। गुरु के यहां, सतगुरु के यहां बुद्धि काम नहीं करती, वहां दीनता से ही काम बनता है और अपने सतगुरु से हमेशा दीन बन करके ही मांगा जाता है। अगर आप सर्व समर्थ है तो वहां गए क्यों, क्या जरूरत थी वहां जाने। और लेने गए थे तो गुरु ने जो दात बख्शी उस दात का उपयोग करते, जो आदेश निर्देश किया था उसका पालन करते, वो कहीं भी गए थे तुमको अंतर में समझने की जरूरत थी, सिमरन ध्यान पर भजन पर बैठने की जरूरत थी। और जितने साधक गुरु भाई प्रेमी थे जिनको सुनाई दिखाई पड़ता था उनको उस समय बोलने की भी जरूरत थी कि ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन वो चुप रहे। जिनको दिखाई सुनाई पड़ा और जिन्होंने भेद जाना और सारा जान भी लिया उसके बाद भी वो बोल करके पी गए, बोले ही नहीं। आखिर अगर मीरा नहीं बोलती, हृदय नहीं बोलते तो उनका इतिहास में नाम कैसे आता। फिर तुम तो करोड़ों करोड़ थे और गुरु महाराज ये बताया करते थे कि बच्चों इसमें से बहुत से आते जाते हैं ऐसे हाथ उठा करके, ना इस बगल कहते थे और ना इस बगल कहते थे, तो सामने को बताते थे। और ये भी बताते थे कि ऐसे ऐसे हैं कि जिनकी आप शकल देखना पसंद नहीं करोगे, पर वो ऊपर आते जाते। तो क्या गुरु महाराज हमारे झूठा थे, झूठ बोलते थे। अब दुनिया को तुम क्या जवाब दोगे। और यही तुमने प्रचार किया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जब तुमसे पूछेंगे है जय गुरुदेव, असली जय गुरुदेव तो तुम ही बन गए हो, वो तो बाबा के बाबा ही रह गए हैं। तो तुम्ही से प्रश्न करेगी दुनिया कि है जय गुरुदेव बताओ कलयुग कब जाएगा, सतयुग कब आएगा। तो उस प्रश्न को ढूंढ के रखना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। शाकाहारी वर्दी पहन के निकलोगे तो तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, वो तुमको जय गुरुदेव ही कहेंगे। और हमारे गुरु महाराज ने सन 1952 से सन 2012 तक अथक प्रयास करके भारत नहीं पूरे विश्व में ढिंढोरा पीट दिया। और भारत में तो बच्चा बच्चा जानता है, जिधर तुम निकल जाओगे वो जान जाएगा कि जय गुरुदेव का बंदा है, उन्हीं का बंदा है। फिर ये जो कुछ हो रहा है उसको हमको आत्मबोध आत्म ज्ञान
समझना पड़ेगा। किसी गुरुभाई से मिलकर के उसके कहने से हमें नहीं मान लेना है। इसलिए हम बराबर डंके की चोट पे कहते हैं कि तुम्हें अनुभव है, दिखाई सुनाई पड़े तब तुम मानो। और यहाँ के लिए जो आदेश है गुरु महाराज का कि जो भी प्रेमी आएगा 3 बार सच्चे मन से ध्यान भजन करेगा, उसकी आंख खुल जाएगी, उसे दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। जब नहीं करोगे तो क्या हमारे पास कुछ खजाना नहीं रखा? हम भी तुम्हारे तरह, हम भी उन्हीं से मांगते, किसी दूसरे से नहीं मांगते। और ना कोई दूसरा हमें दे ही सकता, ना कोई देवी ना कोई देवता। हम जहां जाएंगे पहले गुरु ही आएंगे सामने। जहां नतमस्तक होंगे वो तो सदगुरु हमारे खड़े होंगे, नाम वही निकलेगा पहले। तो देने वाला तो पीछे हट जाएगा, जो सबका मालिक उससे तो सभी डरते हैं। और आप सबने सुन भी रखा है कि जहां वो चले जाए सिंहासन छोड़ के सब खड़े, और इसको आपने देखा भी है, और फिर भी आप ना माने तो भाई कौन समझाने आएगा, कौन तुमको बताने आएगा। और इतने उच्च कोटि के सत्संग आपने सुने, और उन सत्संगों को सुन करके, और जिन्होंने ये कहा कि इतना नोट दे दो, अरे सेवा ही सब कुछ है, तुम पार हो जाओगे। जब तक गुरु महाराज बराबर ये कहते थे कि लग करके सुमिरन ध्यान भजन करना, और जब यहाँ पर आना तो कुछ कमाई करके लेकर के आना। आकर के खाली पीली हाथ बैठ जाते हो तो रुपए की कमाई नहीं मांगती थी, वो भजन की कमाई मांगते थे। तो आपने कितना भजन किया, किस तरह से किया, और किस तरह से गुरु का आदेश निर्देश का पालन किया, उसको तो आप ही जानोगे और गुरु महाराज, दूसरा कोई नहीं जान सकता। और ना तो तुमको त्रिकाल दर्शिता का ना ब्रह्म ऋषि होने का आशीर्वाद दिया है, उन्होंने तुम्हें नीच घर पहुंचाने का आशीर्वाद दिया है। और तुमने कौल करार किया है कि हाँ मालिक मैं करूंगा करूंगा करूंगा, सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करूंगा। अब जब तुम्हारी बारी आएगी और जब सदगुरु खड़े होंगे, अंतिम समय आएगा, उस समय आप सदगुरु का नाम लेंगे, जब गुरु महाराज हाजिर होंगे, आपने भजन किया है तो ले जाएंगी, और उनकी इच्छा हो जिस धाम पर वो रोक करके रखे वो तो वही जाने, और नहीं किया है तो धर्म के राज के दरबार में भी उन्हें जाना पड़ेगा। और धर्मराज के दरबार में जाकर के आपके अंदर सलाह है तो आपका पर्चा उनके हाथ से लेकर के फाड़ करके कह देंगे हमारे जीव है, तुमको फिर से नया जन्म मिलेगा, फिर वही सदगुरु मिलेंगे, फिर नामदान मिलेगा, फिर भजन करना पड़ेगा। अरे प्यारे भाइयों गुरु बहनों, इस समय 2 वक्त की रोटी आराम से मिल रही है, सुख संपदा हर प्रकार की है, हरी बीमारी तो सबको लगी ही रहती है, सुख दुख तो आता जाता रहता है, पर सबसे बड़ी चीज होती है दरिद्रता। जिसके पास धन ना हो उससे दुखी कोई चीज नहीं होता और कोई भी बंदा नहीं होता। अगले जन्म में पता नहीं कहां तुमको जन्म मिले, रोटी नसीब हो कि ना हो, तब तुम कैसे भजन करोगी। और इस समय अवसर मिला है भजन करने का, तो जो श्वासों की पूंजी बची हुई है उसका क्यों ना हम सदुपयोग करें, क्यों दुरुपयोग करें। जब जब समय मिल जाए, सुबह शाम दोपहर जैसे मिल जाए, रात बिरात उठ गए और अपने गुरु में लगन मगन हो गए, और बराबर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अपने सदगुरु से प्रार्थना करते रहे, और यही कहा कि ये मालिक कुछ दे दी, अगर आप देंगे नहीं तो हम उस पार कैसे जाएंगे। हम यही मांगते हैं कि हमको मुक्ति मोक्ष चाहिए, बाकी हमें किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। और अगर आप कुछ दूसरा मांगते हैं तो इसके मतलब है कि आप स्वार्थी। गुरु महाराज को हमारे नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, हाथ में पट्टियां बांधनी पड़ी, दवाई भी खानी पड़ी। इसी तरह साधकों प्रेमियों का भी होता है, अगर वो कुछ करेगा तो उसको भी भुगतना पड़ेगा,
और आप सब मानव पोल में बैठे हैं, जब अरामी पुरुष करतार उस धरा मंडल से इस मृत लोक में उतर करके आया है तो वो भी तो मानव पोल में है। क्या प्रभु राम जो ईश्वर थे, प्रभु थे, पूरे थे, प्रकट हुए थे और गए जंगलों में, तो क्या उनको काटे नहीं चुभे? क्या कृष्ण भगवान को तीर नहीं लगा? तो सत्पुरुष है, अनामी पुरुष है, तो क्या उन्हें इस देश की दुख तकलीफ नहीं होगी? अगर सूर्य निकलेगा गर्मी लगेगी तो क्या तुम्ही को लगेगी, हमको नहीं लगेगी? अगर गुरु महाराज है तो उनको नहीं लगेगी? अरे ये कैसे भूल बैठे आप? और ये मनुष्य मानव रूपी सदगुरु के लिए एक कपड़ा मात्र से अधिक कुछ नहीं होता, वो किसी भी समय कुछ भी कर सकती और किसी भी समय वो प्रकट हो सकते हैं, कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता। पर जब तुम में सदा प्रेम होगा तो रोज ही सदगुरु से मुलाकात होगी। सदा प्रेम नहीं होगा, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो कभी भी मुलाकात नहीं होगी। बैठते रहो, आते रहो, जाते रहो, जब फॉर्मेलिटी न अदा करनी है तो करते रहो। 7 जन्म बीते हैं, 5 और सही, और 5 के आगे 5 और लगा लेना। अब संतों का सिलसिला आने का बंद नहीं होगा, ये गुरु महाराज ने बता रखा, वो जाने वाले नहीं है। और कहा है, बिना अपना काम पूरा किए मैं जाने वाला नहीं हूं। तो जब तक काम पूरा नहीं होगा वो जाएंगे नहीं, और जब तक काम पूरा नहीं होगा तुम्हें जाने भी नहीं देंगे, ये भी समझ लेना। आप समझते हो कि बिना काम पूरा किए वो चले जाएंगे, तो ऐसा मिथ्या है। अपना काम पूरा करेंगे, नाम जहाज लगा है, और जितने जीव जाते रहेंगे उस पर बैठते रहेंगे। जहाज तभी जाएगा जब काम पूरा हो जाएगा, तभी उस धाम में तुम जाओगे, भले अनामी धाम जाते आते हो, पर परमिशन पूरी तभी मिलेगी जब सारा काम पूरा हो जाएगा। जब संत भविष्यवाणी करते हैं तो ये समझ लो, आप लोग कहते हो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, फिर उल्टी बाणी कैसे बोलने लगे? ये भ्रम कहां से आ गया? ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन संत की बाणी नहीं कर सकती, फिर सतगुरु पे भरोसा कैसे नहीं रहा? और सतगुरु है कौन? हमारे गुरु महाराज, चाहे वो रविदास चोले में रहे हो, चाहे कबीर साहब के चोले में रहे हो, चाहे गोस्वामी जी के चोले में रहे हो, नामदान तो उन्हीं लोगों से तुमको मिला है जब तीन चार जन्म पीछे से आए हो। और गुरु महाराज ने साफ साफ कहा, कबीर बन के आ, दादू बन के आ, दरिया बन के आ, भीखा बन के आ, पलटू बन के आया, रैदास बन के आया, गोस्वामी बन के आ। भी समझा रहा हूं बच्चू, समझ जाओ। तब भी अगर तुम समझ ना पाओ तो तुम्हें कौन समझाएगा? ये ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, जो जड़ी बूटी तुमको दी है वो ऐसी जड़ी बूटी है, अगर उसकी रगड़ करोगे तो इसमें दिव्य मणि का प्रकाश होगा और सारा पसारा जो है, सारी चीजें प्रकाशवान है। अगर तुम्हें कोई भ्रमित करता है कि तुम काल के फसावे में हो, फला जगह जाते हो वहां तो काल का दर्शन होता है, अरे अभी उनको यही नहीं मालूम कि काल लागू कहां पर होता है। हमारे सदगुरु ने तो यही बताया है कि जब तुम आंख बंद करोगे मेरे दर्शन प्रसन्न के बाद सीधे प्रभु राम के दर्शन होंगे, अरे उस धाम के दर्शन होंगे, और वो उनके दर्शन होते ही वो रास्ता दे देंगे, आप आगे चले जाएंगे, वहां रुकने की तुम्हें जरूरत ही नहीं। अरे 1 मिनट 2 मिनट सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड, उसके बाद जब ब्रह्म पर जाएंगे तो गुरु की बैठक, फिर अपने गुरु के चरणों में रहेंगे, तुम कैसे काल के यहां चले जाओगे? ये तुमको किसने बताया? और कभी गुरु महाराज ने कहा कि तुमको काल पकड़ ले जाएगा? देश तो ये है, पर उसको समझना पड़ेगा कि काल कहां पर लागू होता है, किस जगह पर ये विधान बनता है, वास्तविक काल कौन है, किसे काल कहा जाता है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। जब संत के बच्चे हो तो संत जाति के हो, कोई ऐसा काम अगर करोगे उल्टा सीधा तो अगर तुमने गलत काम किया तो तुम्हारी बुराई हुई, तो गुरु महाराज की हो।
लगाई गई तो समझो गुरु में लगाई गई। तुमने यही कहा है कि जाएगी लाज तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा, तुम कुछ भी करते रहो लाज उनकी जाए। ये तो बहुत सही तुमने कहा और बहुत सही समझा भी। मतलब ये मूली गाजर है, इधर से मुखाड़ करके उधर लगा दो, बस हो गया काम। सुमिरन ध्यान भजन कुछ नहीं, नाना प्रकार के कार्य कर लेते हो, फाड़ा दिन भर चला लेते हो, उस समय तुम्हारा शरीर नहीं थकता, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन के समय तुम्हारा शरीर थक जाता। अब तो नहीं बनेगा, बस सुमिरन हो गया, जल्दी जल्दी से फॉर्मालिटी अदा की, जय गुरुदेव जो सदगुरु जय गुरुदेव जो भी बोलना बोले, बस एक माला इधर की, एक माला उधर की, एक माला उधर की, जल माला पूरी। पता नहीं पूरे नाम हुए कि नहीं हुए। अगर लगन मगन हो करके सुमिरन ध्यान भजन करते तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। और अब भी समय है, अगर चूक गए तो फिर कितनी बड़ी चूक होगी इसके बारे में तो तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। उनको पछताना नहीं पड़ेगा जिनको शब्द उतर रहा है, जिनको मालिक से मुलाकात हो रही है। और बहुत से प्रेमी ये कह देते हैं कि वहां ग्राम बड़ेला में जबरदस्ती जो है की जाती है कि अब बताओ, गला दबा करके। प्रेमियों जरा बताओ कि किसी से जबरदस्ती की जाती है? नहीं। कि हम जबरदस्ती करते हैं कि तुम बता दो? और तुमने जो कुछ बताया है क्या तुम्हारा बंद हो गया है? नहीं। आप काल के दर्शन करते हो कि दयाल का? दयाल। तो जब दयाल का दर्शन करते हो तो क्या क्या चीज है? सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है, यही बताया गया है। तो तुम्हें डर किस बात का, भय किस बात का? जब हमारा मालिक समर्थ है, परम पिता परमेश्वर है, उसी को श्री राम पुरुष कहा जाता है। आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष, अनामी पुरुष करतार को ही कहते हैं। आप गुरु महाराज की किताब को उठा करके खोल करके देख लेना, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना। और जब तुम उनके जीव हो, उनके बच्चे हो, तो तुम्हें तीन लोक में किस प्रकार का भय, किस प्रकार की दहशत है? दहशत तभी पैदा होगी जब तुम बुरा काम करोगे। और जहां पर डर लगे वही पाप है, और जहां पर प्रसन्नता हो वही पुण्य। यही सच्ची पहचान है, इसके अलावा कोई दूसरी पहचान नहीं है। सदगुरु के बीच में रहोगे, निशाने पर रहोगे, अपने ही मालिक को याद करोगे, तो कोई दूसरा बीच में आने वाला नहीं है। और दूसरे को अपने सामने कर लिया तो मालिक तो वैसे पीछे हो जाएगा, फिर वो जाने और तुम जानो, फिर गुरु तुम्हारा किस बात का जिम्मेदार है? जब तुमने साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया और कुमार्ग पर चले गए, और अब चाहते हो कि हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाए, तो मुक्ति मोक्ष कहां से प्रदान होगा? जब गुरु द्रोह करोगे तो कहां से तुमको मुक्ति मोक्ष प्रदान होगा? अगर गुरु के निशाने पे लगे रहे अंतिम श्वास तक तुम्हारा सुमिरन ध्यान भजन भले नहीं बना, फिर भी उन्हें पार करने की जिम्मेदारी उनकी बनती है। जब नानक साहब ने जाकर के एक जीव के लिए पूरा नर्क सुखा दिया, अंगूठा उसमें बोर दिया, तो क्या हमारे गुरु महाराज समर्थ हैं? जो इतने लोगों को अनुभव अनुभूति हो रही, दिखाई सुनाई पड़ रहा, तब भी ढिंढोरा बज रहा है, 5 साल से 6 साल से चले गए चले गए चले गए चले गए, और ये कहते बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, फिर तो कुछ और बदल के कहना चाहिए। ये क्यों कहती हो? वो तो हम लोगों पे लागू होता है जो मानते हैं कि आज जिन्ना जी, तो हमें कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। आपको तो कहना था इस तरह पर करना चाहिए। तो प्रेमियों, जब आप आगे बढ़ोगे और घाट से ऊपर उठोगे तो नाना प्रकार की रचनाएं हैं,
और वो आध्यात्मिक रचनाओं को की दर्शन आपको होगा और ऐसा अद्भुत दर्शन होगा, उसमें ऐसा नशा चढ़ेगा जो यहां पर कुछ भी आप खा पी लो ऐसा नशा नहीं चढ़ेगा। और एक बार रंग चढ़ गया उस सदगुरु का, कल्प चढ़ गया तो उतरने वाला नहीं है, उसी में जीवन बीत जाएगा और मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो प्रेमियों, हमारी तो विनती प्रार्थना यही है कि लग करके स्मरण ध्यान भजन करो और गुरु महाराज के हुक्म के अनुसार, यहाँ जो भी कार्य होता है उनके अंतर हुक्म के अनुसार ही होता है, मैं अपने मन से कोई काम नहीं करता। और आप को ट्राई करना हो तो गुरु महाराज से अंतर में पूछ सकते हो, और जब तुमको कह दें कि हाँ मेरा हुक्म है तभी मानना, और अगर ना कहें कि ये मेरा हुक्म नहीं है तो मत मानना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम साफ कहते हैं। न यहाँ हम तुमसे 10,000-50,000 की कामना रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, जो गुरु का काम है वो तो स्वयं करें, हम कोई भिखारी थोड़े हैं, हम तो भिखारी नाम के हैं और आप भी नाम के भिखारी हैं, आप भी उन्हीं से मांगते हैं और हम भी उन्हीं से मांगेंगे। हमें करोड़पति बनने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही गद्दी महंती की कोई इच्छा है, हमें मुक्ति मोक्ष की इच्छा है और जो आदेश है उसका पालन तो हम करते ही रहेंगे, पूरे भारत और विश्व में वो संदेशा भेजते रहेंगे, और जैसे सदगुरु आ गए उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, गुरु महाराज जाने आप लोग जानो, फिर मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। और लेना देना तभी तक है जब तक गुरु महाराज प्रकट प्रत्यक्ष नहीं होते। और निस्दिन प्रार्थना हम यही करते हैं कि मालिक जल्दी करो, हम भी 5-6 साल में बहुत परेशान हो चुके और ये जो जिम्मेदारी दी है वो अपनी जिम्मेदारी अपने पास रखो, हमको केवल चरण शरण चाहिए, मुक्ति मोक्ष चाहिए, किसी प्रकार की ऐसी दौलत हमको नहीं चाहिए जिसकी विषय वासना में हम फंस जाएं और दोबारा हम वहां जा ना सके, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें सेली टोपी थैली टोपी की जरूरत है ही नहीं और ना ही कभी लेंगे, चाहे जितने बार मिले हमको उसकी तमन्ना नहीं, इच्छा नहीं, हमें तो अपने निज घर जाना है, हमें अब जीना मरना बार बार नहीं है। अगर यही संकल्प करोगे और लग करके सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो अवश्य ही प्रभु राम के दर्शन होंगे, अवश्य ही अनुभव अनुभूति होगी, अवश्य ही दिखाई सुनाई पड़ेगा, पर अब सदगुरु को याद करना पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष में इस समय 500 जय गुरुदेवों, कौन से जय गुरुदेव को तुम याद करते, ये भी विडंबना फंस गई। इसलिए सदगुरु की वंदना प्रार्थना तो करते आए हो, वो भी सब करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते हैं, पर सदगुरु जय गुरुदेव बोलने में उनके लिए दिक्कत है और तुमको अपने सदगुरु को पुकारने में किसी प्रकार की हिचक और दिक्कत नहीं है। अगर अपने सदगुरु को पुकारने में सदगुरु सामने हाजिर हो, दया दुआ की धार बरसे, तो उससे अच्छा क्या है, उस परमानंद को प्राप्त करना चाहोगे या दुनिया का कूड़ा कचरा इकट्ठा करना चाहोगे, 3 मंजिल बनवा लो 10 मंजिल बनवा लो, जाएगा तो कुछ है नहीं, सुई की नोक के बराबर ना किसी के साथ गया है और ना किसी के साथ जाएगा और ना किसी की चिट्ठी पत्री आई है और ना कभी आएगी, जीते जी ही मीरा बाई ने गाया है और साजो बाई ने गाया है, हृदय ने भी गाया है, उस तरह तुमको अपने सदगुरु का गुणगान करना पड़ेगा। अगर करोगे तब तो सच्चे शिष्य कहलाओगे, नहीं करोगे तो तुम जानो और सदगुरु जाने, मैं मुझसे कोई मतलब नहीं, उन्होंने तुमको दिया है तो उसको तो गाना पड़ेगा ही, चाहे कोई पागल कहे, दिवालिया कहे, काल का कहे, जाल का कहे, तुम्हें क्या इस बात की टेंशन, तुम तो अपने सदगुरु के पास जाते आते ही, तुम्हें तो पूरी समझ है, वो समझा करके रखते हैं कि देखो ये एक चीज है, यहाँ पर ये चीज है, और किसी बात के लिए तुम प्रश्न करते हो तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब भी मिल रहा है बराबर,
वक्त मिलता आया है और अब भी मिल रहा है। तो वही चीज तो तुमको समझाई बताई जाती है यहाँ कि कुछ दूसरा समझाया बताया जाता है। अगर तुम्हारे जिम्मेदार ये कहते हैं कि वहां मत जाना, वहां तंत्र मंत्र से ये होता है, तुम अपनी जिम्मेदारी उसको तंत्र मंत्र से ही हमको करवा दो, कम से कम मुझे अनुभव तो हो, मुझे दिखाई सुनाई तो पड़े। अगर काल का बताते हो तो काल से ही, काल का ही दर्शन करवा दो, कम से कम किसी का दर्शन तो हम कर पाए, तब तो कोई बात बने। और हम दयाल के जब बच्चे हैं, दयाल के शिष्य हैं, तो हमारे सदगुरु ही हमारे जिम्मेदार हैं, आप हमारे ठेकेदार नहीं हैं। हमने नामदान परम संत सदगुरु जय गुरुदेव से लिया है, उस समय हमने ये नहीं देखा था किस जात बिरादरी के हैं, किस फिरके के हैं, इनका क्या नाम है, क्या गांव है, कब जन्मे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से नाम मिला, ये सब किसी ने नहीं पूछा। किसी ने पूछा हो तो बताओ आप लोग। और जात पात तो संत के यहाँ चलती नहीं, वहां तो संगत और पंगत का काम होता है, भेदभाव तो रहता नहीं। अगर शीतलता तुम में आई और तुमने गुरु का गहना धारण किया तो गुरु मत के अनुसार आप गुरु के शिष्य कहलाए जाओगे और तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। और अगर तुम्हें धन माया की इच्छा है तो ले जाओ भाई, वहां तो उल्टा सीधा दमरु दोनों तरह का बचता है। सीधा बचता है तो भर्ती होती है, उल्टा बचता है तो छटनी होती है। अब तुम्हें वो छांट करके निकालें या कैसे भी करके निकालें, अभी आग पानी में कूदा करके तो तुम्हारी परीक्षा ली नहीं, अभी तो छोटी मोटी परीक्षा, इसी में जब पास नहीं हो पाओगे तो आग पानी की तो छोड़ दो। अभी सामने आग जल रही हो, गुरु महाराज कहें कूदो तो ये भी नहीं कूदोगे, हमने देखा है कितौरा, पता चला कि उधर से गुरु महाराज का काफिला आ रहा है और खेतौरा गांव में आप लोगों के यहाँ आया होगा अखबार में कि इतनी गाड़ियां फोड़ दी गई परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के। हम प्रत्यक्ष दर्शी हैं वहां की, हमने देखा लाइन लगी है पुलिया से सड़क से लेकर के खेतौरा मंदिर तक। और जैसे ऐसी सूचना आई चलो चलो गुरु महाराज को सब घेर रहे हैं और वहां गाली गाड़ी तोड़े डाल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, संगत पे ऐसा वैसा कर रहे हैं। अरे भैया पीछे घूम के देखा किसी पता ही नहीं, सब भाग खड़े हुए। तो चार लोग मात्र बचे थे, तब तक तीन चार गाड़ी हमारे सामने टूट करके आ गई थी और सूचना आ गई थी कि गुरु महाराज दूसरे रास्ते से घूम करके आ रहे हैं, वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह जब पुलिस वाले आए और मीडिया आई तो कहा भाई गाड़ी मेरी फूटी है, मेरे गांव वाले उन्हें फोड़ा है, आपको क्या दिक्कत, मैं बनवा लूंगा, मैं किसी को परिफाइयार नहीं करता। गुरु महाराज ने ऐसे साफ साफ कह दिया और हमने सब कुछ वहां देखा और सब कुछ समझा। और जो साथ में गए थे उनसे वापस लौट करके पूछा कि भैया भागे क्यों, तो कहा क्या जान मरवाने आए थे। फिर तो भैया मेरी खोपड़ी गई खसक कि जब जान मरवाने नहीं आए थे आप, तो जो देने वाला अगर वही मर जाता उसे मार डालने, तो फिर क्या क्या लेने आए थे आप, किस प्रकार के आप ससंगी हैं कि गुरु सामने खड़ा हो और तुम गोली अपने सीने पर ना सह सको, गोली गुरु महाराज को लगे। अरे धिक्कार है ऐसे शिष्य पर। तो अगर शिष्य बनना है तो कायदे से बनो, अगर ग्रहण किया है कुछ नाम तो उसकी यादगारी करो, उसको जागृत करो, लग करके स्मरण ध्यान भजन करो और रोज गुरु महाराज से प्रश्न करो कि कब आओगी, कब आपकी दया मेहर होगी, हमें अंदर बाहर दोनों तरह से दर्शन चाहिए। और प्रकट प्रत्यक्ष अगर नहीं होते तो दुनिया में हमारी भी लाज जाएगी और आपकी भी जाएगी, तो वो तो तुम्हारे दुखों का निवारण कर ही देंगे, समर्थ है सब कुछ बता देंगे, असमर्थ नहीं है और ना कभी संत असमर्थ होते हैं। और इतिहास मिलता है कि पलटू साहब को इसी अयोध्या में पापाचारियों ने कुटी के अंदर आग लगा दी और समझ लिया कि वो उनका राम नाम सत्य हो गया, और वही पलटू साहब वहां जगन्नाथपुरी में जाकर के प्रकट हुई और राजा को स्वप्न दिया,
उसने इतना बड़ा भव्य तीर्थ स्थल बनवा करके खड़ा किया कि जहाँ लोग रोज जाती और रोज पूजा करती और लौट करके आए तो इनको माफ भी कर दिया। तो पुराने इतिहास को देखो, जैसे आप लोग समझ रहे हो कि नामदान बढ़ रहा है, अरे जितने तुम बैठे हो यहाँ वैसे हमारे गुरु भाई बहन बहुत है पूरे भारत में जिनकी गणना किसी के पास नहीं है अभी गुरु महाराज के अलावा। और जो सन 2012 में गए होली के अवसर पर, जिनको नामदान मिला, जिन देवियों को, उन देवियों के गर्भ में अगर बच्चा था तो संस्कार पड़ा कि नहीं पड़ा? और जो बच्चे तुम्हारे छोटे थे, एक साल से लगा करके 5 साल तक 12 साल तक संस्कार पड़ा कि नहीं पड़ा? उनको किस बात का नामदान लेने की जरूरत है? उन्होंने आत्मबोध आत्मज्ञान केवल सदगुरु जय गुरुदेव बोलने से ही हो जाएगा। जब अभिमन्यु को सब कुछ हो सकता है तो क्या हमारे गुरु महाराज असमर्थ है? हमको आपको हमारे बच्चों को नहीं हो सकता? अभी संगत जितनी भी है वो हमारे गुरु महाराज की है, पूरे अखंड भारत में किसी भी महाराज की नहीं है और ना किसी ने तैयार किया है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। और सतगुरु के सहारे रहोगे तब तो बचना बिल्कुल निश्चित है, वरना पिसना तो पड़ेगा ही। कबीर साहब ने भी कहा है कि दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई, कील सहारे जोरा शब्द सिरोही होए। तो कील के सहारे रहोगे तो बच जाओगे, और इधर उधर भागम भागी करोगे, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं है। अगर आप पूछोगे कि भैया अनिल कुमार गुप्ता बताओ कितनी दूर तक जाते हो, तो ये तो प्रश्न तुम्हारा करना मिथ्या है। आगे चल करके तुम उसमें देखो कि ये कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक आते हैं, पीछा करो, तब तो कुछ मर्द ही हो। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो आप भी दौड़ो और दौड़ करके कुछ प्राप्त करो। हमारे मुंह से सुन लेने से तुमको क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, कुछ मिल जाएगा क्या? और जब गुरु के सामने नतमस्तक हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा। उस समय हम भी प्रार्थना करेंगे कि मालिक ये लड्डू जो है हम ही को, हमारा हिस्सा इसमें नहीं है, इन सब का हिस्सा है, सबको बराबर मिलना चाहिए। और जितने हम सब थे हम सारों को लेकर के चलो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। और आप चाहते हो कि छूट जाए, हम नहीं चाहते कि कोई छूट जाए। जो उस लायक नहीं है वो तो छूट जाएगा ही, उसके लिए मैं कोई प्रार्थना नहीं करता। मैं तो जिस चीज की प्रार्थना करता हूं उस चीज की कल्पना भी आप नहीं कर सकते, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और जो आदेश निर्देश है मैं उसी काम को कर रहा हूं। मुझको तो जो बताया है सतनाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, तो जो गली गली में बिखराया है और जिनके पास वो है हीरे मोती, मुझको तो उन्हीं की जरूरत है, कूड़े कचड़े को क्या करेंगे और वो भी क्या करेंगे रखकर। ये प्रभु राम का देश है, इसे चलना है, राजा वही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा। कि आप लोग कोई चाहते हो उनकी गद्दी, चाहते हो तो बोलो, वही मांग लो, उसमें क्या दिक्कत है, गुरु तो समर्थ ही है। जब नहीं चाहते, और ये भी सुन रखा है कि अखंड अनावर्त उस महारामी महाप्रभु का भजन 24 घंटे वो किया करते हैं, और तुमको 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और उसी 1 घंटे में वो पार कर देना चाहते हैं, और उसी 1 घंटे के बदले प्रभु राम आपको रास्ता दे रहे हैं, तो दयाल है या काल है? किसने तुमको बताया, किसने तुमको समझाया? और गुरु महाराज ने यही खोल करके कहा दुनियादारों के लिए, कहा कि इधर मृत लोक है और उधर स्वर्ग लोक, क्या नाका। लेकिन तुमको तो यही बताया कि जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम प्रभु राम के देश में खड़े होगी जाकर के, तुम्हारी सूरत जीव आत्मा निकलेगी तो सीधे राम के पास खड़ी होगी और वो मुस्कुरा करके रास्ता दे देंगे। अब खोल करके सुनना चाहो तो हम खोल करके भी सुना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
पूरा भेद नीचे से ऊपर तक बता सकते हैं, लेकिन जब गुरु महाराज ने बताया है तो तुम भूल नहीं गए हो, तुमको सब याद है। अब करना कराना आपके हाथ में है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियो, किसी को सतगुरु जय गुरुदेव बोलने में दिक्कत हो तो मेरे कहने से जबरदस्ती मत बोलना, हम किसी पर दबाव नहीं बनाते, इसके बारे में भी सोच लेना। वो हमारे सतगुरु हैं और सतगुरु थे, सतगुरु ही रहेंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो बोलो और नहीं इच्छा होगी तब भी तुम बोलोगे। जितनी विनती प्रार्थना करोगे सब सतगुरु की ही है, किसी दूसरे की है ही नहीं, चाहे जहां बोलोगे। जय गुरुदेव की कोई प्रार्थना नहीं, सब सतगुरु की प्रार्थना है। जय गुरुदेव की प्रार्थना बाद में आती है। सत्य गुरु जय अनामी महाप्रभु सतगुरु दयाल अनामी। दुख देख जीवा के अपने संग संग सूरतिया गुरु के डोले, संग संग गुरु में हार से घट पट खोले, ऐसे है सत गुरु दाता दयाल, अनामी महाप्रभु सतगुरु दयाल। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अगर हमसे किसी प्रकार की अवज्ञा हो गई हो तो आप सभी के चरणों में हम अपनी पगड़ी रखते हुए क्षमा याचना विनती प्रार्थना करते हैं, और जो भी प्रेमी बोलना चाहे, ये कुर्सी हमारे बाप की नहीं है, आप सबकी है, और ना ही हम किसी प्रकार के जिम्मेदार हैं। तो अगर कोई प्रेमी बोलना चाहता है, कुछ सुनाना चाहता है तो वो सुना सकता है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। नहीं ये कहो कि हम गए थे वहां और वो भी मठाधीश की तरह बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमको सुनाने का अवसर नहीं दिया, ये मत सोचना। हम किसी में फर्क समझते ही नहीं कि आप छोटे हैं या बड़े हैं, हम तो ये जानते हैं कि हम एक ही थाली में रहने वाले, एक ही थाली में खाने वाले और एक ही महापुरुष के बच्चे हैं, और एक ही धाम में हमको जाना है। ना कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है, सभी सद्गुरु की सुरते हैं। देखो गर्मी का मौसम तो है ही, अभी बिजली आएगी, आप लोगों को भोजन प्रसाद मिलेगा, आपकी इच्छा होगी तो और सुनाया जाएगा, और तब तक सुनाया तो जाएगा और भोजन प्रसाद तो मिलेगा, पर पहले ध्यान भजन करना पड़ेगा। अगर ध्यान भजन नहीं करेंगे तो भोजन प्रसाद बंद, और ध्यान भजन करेंगे तब तो भोजन प्रसाद मिलेगा।
तो आप सब लोग अपने अपने जगह पे जगह ले लो। इसीलिए पहले मैंने कहा था कि इसको चौड़ा करके बिछाओ। और इधर तो इन लोगों ने चालाकी की, जगह ले लिया। आप लोग समझ लो, रोना तुम्हें ही आता है ज्यादा, ये लोग रो नहीं पाते। अगर ये लोग रो पाते तो तुमसे जल्दी काम कर जाते, मीराबाई नहीं जीतती। जो हम लोग हार के बैठे हैं, जो सदगुरु मीराबाई के हैं वही सदगुरु हमारे भी हैं। ये तो अंतर में पता चलेगा जब चलोगे कि कौन किसका गुरु था और कौन किसका शिष्य है। इसलिए पहले 5 मिनट के लिए ध्यान पे बैठो और उसके बाद में अपनी स्व इच्छा से 5 मिनट के लिए भजन पे बैठ जाना, हमें कहना ना पड़े। सत्य गुरु जय गुरुदेव।